अमृतसर के हलका ब्यास के पिंड सटियाला च दिन दिहाड़े कारतीय गुरदीप सिंह गोखा की गोलियां मार के हत्या कर दी गई। जानकारी मुताबक कारतीय साबका सरपंच का पति सी। एक घटना मंडी च वापरी। तीन अनपछाते नौजवान बाइक से सवार हो आए ते गुरदीप ते गोलियां चला फरार हो गए, जिस तो बाद गुरदीप नूं हस्पताल च दाखिल करवाया गया जिथे उसकी मौत हो गई। सरबजीत सिंह की गल हुई है? मैं देखो डूर साहब आते हुए मैंने उसे पता लगा फोन किया, मैंने पता कि गल हुई। गोलियां मार के सुने भी तीन जने मोटरसाइकिल से आए आ, दो जने उतरे आ मंडी से, मंडी चढ़ते आए पहाड़ते सिस्टे ये अड़ते उत्ते स्टेरियां ढेरिया वेखन दिया। दो जने उतर के मोटरसाइकिल दो जने गोलियां मार के ना ना इतने पुछ लो सारी जिन्हें समझदा किसी ना साढ़े पिंड कोई गलबात हुई हो, किसी वध घट किसी कोई गलबात की हो। हथियार तेन घर कल ही रखने लैके आया करता कला आ मंडी जिथे। डेढ़ बजे ओदी दुकान ते आया हिंगा, आया ते जिन्हें मैनू कहा भी तू इत्थे बैठ ते मैं पेशाब करके ते आउणा वा, ते जो मैं उन्हें दस्या भी मैं कुछ ही मिनटां बाद बाहर गोलियां चलण दी आवाज आई आ, ते जिहड़ा गुरदीप सिंह लत्त पत्त ते खूना गोलियां लगण कारण जमीन ते डिग्गा है, ते जिन्हों उन्हें लिया के ते हस्पताल सिविल हस्पताल बाबा बकाला लिया इलाज लई जिथे ओदी मौत हो गई। कोई पुरानी रंजिश कोई नहीं जी, ये नहीं दस्या कुछ जी। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡੇਢ ਕੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ? ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 4-5 ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਣ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।